नायरा स्टडी, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो हो जाता है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके जो एग्जाम है यानी यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जो एग्जाम है वो आखिर कब तक होंगे। तो आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो बात कर लेते हैं कि आखिर एग्जाम आप लोगों के कब तक होंगे। तो सबसे पहले एक डेट निकल कर आई है कि 10 जून से 16 जून कब, तो यहाँ पे देख लेते हैं 10 जून से 16 जून क्या इस डेट में एग्जाम होने के चांस हैं? तो बात करते हैं कि जो आपका 4 जून और 5 जून हो जाता है, ठीक है ना, यानी जून का ये 1 से 5 डेट जो हो जाती है इसमें तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव, उसके बाद रिजल्ट किसका आएगा, चुनाव का, है ना। तो इसमें तो कुछ भी नहीं होना, और इससे पहले के जो मंथ है तो इसमें भी कुछ नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आचार संहिता चल रही है। तो क्या 10 जून से 16 जून में एग्जाम होने के चांस है? तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक डेट और निकल कर आ रही है, 17 जून से 23 जून कब, तो 17 जून से आपका हो जाता है 23 जून, ये भी डेट एक निकल कर आ रही है। और थर्ड जो आपकी डेट हो जाती है वो 24 जून कब, तो 24 जून से 30 जून। अब इन डेट्स में कौन सी डेट है जो जिसमें सबसे ज्यादा एग्जाम होने के चांस है? तो बात करते हैं। देखिए, 10 जून से 16 जून में बहुत ज्यादा चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, चार जो डेट आपकी 4 डेट और 5 डेट यानी जून 4 और 5 इसमें तो रिजल्ट ही आएगा, ठीक है। और जब एग्जाम आपके होते हैं तो उससे कम से कम 15 दिन पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं। तो जब 15 दिन पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं तो 10 जून से 16 जून तो बहुत ही कम चांस है। उसके बाद 17 जून से 23 जून, तो इसमें एग्जाम होने के कम चांस क्यों है? क्योंकि इसमें एक फेस्टिवल है, बकरा ईद, तो फेस्टिवल 3 दिन चलता है। दूसरी बात, जो ये एग्जाम है तो ये 1 वीक में कराए जाते हैं, तो जब 1 वीक में कराए जाते हैं तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? बाकी पीएमपी कुछ भी कर सकती है, वो तो जैसा होगा हम आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। लेकिन फिलहाल किस डेट में कम चांस है और किसमें सबसे ज्यादा चांस है इस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो 17 जून से 23 जून ये भी आपके बहुत ही कम चांस है, ना के बराबर। फिर 24 जून से 30 जून इसमें ज्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि देखिए, जुलाई आ गई। अगर कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि क्या मैम जुलाई में एग्जाम हो सकते हैं, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो यूपी डीएलएड का एग्जाम होता है तो वो अभी तक ऐसा हुआ है कि सीटेट के एग्जाम से पहले, और 7 जुलाई को सीटेट का एग्जाम लगा हुआ है, और ज्यादातर लोगों ने सीटेट में भी फॉर्म डाला है, अप्लाई कर रखा है। तो इस हिसाब से अगर बात की जाए तो अगर देखिए सीटेट एग्जाम से पहले एग्जाम होने हैं तो 24 जून से 30 जून में ज्यादा चांस बन रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर होने की ज्यादा संभावना है, और वैसे होने को हम फिर से कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, बाकी पीएनपी जैसा भी बोलती है जो भी, तो हम आपको उससे अवगत कराएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। तो आप लोग चैनल से जुड़िए, जहां पर सभी सब्जेक्ट्स बहुत ही डिटेल में आपको बताए जा रहे हैं, हर एक चीज को सरल भाषा में बताया जा रहा है। तो आप लोग चैनल से जब जुड़ेंगे तभी तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, और जो क्लासेस हैं वो भी फ्री में प्रोवाइड हो रही है। तो जब इतनी सभी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड हो रही है तो क्यों ना लाभ उठाया जाए, है ना। तो आप लोग देखिए इन डेट्स को नोट कर ले, और लेकिन तैयारी देखिए, तैयारी आप अपने अकॉर्डिंग करें। अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि 8 सब्जेक्ट हैं। अगर मान के चलिए एक सब्जेक्ट को 1 वीक में कंप्लीट करेंगे तब भी 2 मंथ तो हमको चाहिए ही चाहिए, और इतना ही टाइम बचा हुआ है। उसके बाद रिवीजन का भी टाइम चाहिए, उसके बाद जो पेपर हो चुके हैं यानी 2015 से अब तक उनको भी सॉल्व करना है, यानी काम ज्यादा है और टाइम कम है।
तो आप लोग तैयारी में लगे रहें और जैसे भी कोई भी न्यूज निकल कर आती है पीएनपी की तरफ से तो हम आप लोगों को यानी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं क्लास में, थैंक यू।